हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एजेंसी। थैंक यू फ्रेंड्स साथ बने रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो शेयर किया था कि आप अपना आर्टिकल्स लिख के किस तरह से कौन सी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। paidforarticles.com के बारे में मैंने बताया था और किस तरह से आर्टिकल आप सबमिट कर सकते हैं, किस तरह से अपने आपको रजिस्टर करना है और किस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। उसी प्रोसेस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वेबसाइट के कुछ गाइडेंस है। इन्होंने आर्टिकल्स राइट करने, आर्टिकल्स पोस्ट करने के लिए कुछ गाइडेंस दे रखे हैं। अब वो फॉलो करके अगर हम आर्टिकल्स लिखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा आर्टिकल्स अप्रूव करवाने में। अब ये देखिए, इनका सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इनका कहना है कि अगर आपको आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर पोस्ट करना है और आर्टिकल से पैसा कमाना है तो आपको आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे आके ही टाइप करना है। आप कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी और पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले अपना आर्टिकल के बारे में पूरा रिसर्च कर लीजिए, डाटा कलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से क्या कलेक्ट करना है। उसको आप एक गूगल डॉक्स में या वर्ड फाइल में सब सेव कर लीजिए। उसके बाद में आप उसे देख देख के यहाँ पे आर्टिकल टाइप कर सकते हैं। आर्टिकल यहाँ पे आपको टाइप करके ही सबमिट करना है, अदरवाइज़ आपका आर्टिकल अप्रूव नहीं होगा। अब इन्होंने आर्टिकल के लिए कुछ गाइडेंस भी दे रखे हैं कि आप आर्टिकल अगर लिख रहे हैं तो आप आर्टिकल इस तरह से लिखें, ये आर्टिकल का फ्रेम होना चाहिए, इस तरह से ये टॉपिक्स होना चाहिए, ये हेडिंग्स होना चाहिए। वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से इन्होंने आर्टिकल के बारे में गाइडेंस लिख रखा है, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो ऑथर्स गाइड पेड फॉर आर्टिकल्स में इन्होंने लिख रखा है, हाउ टू गेट योर आर्टिकल अप्रूव्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कम्प्लाई विद योर आर्टिकल और योर आर्टिकल विल बी रिजेक्टेड। मतलब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपका आर्टिकल यहाँ होना चाहिए सबमिट, अदरवाइज आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। ए, योर आर्टिकल टॉपिक शुड बी ऑन क्वेश्चन फॉर्म और टॉप लिस्ट फॉर्म, लाइक हाउ टू, व्हाट इज, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 ETC। मतलब आपका आर्टिकल का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन फॉर्म में हो कि ये ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, जैसे बात करें कि इंडिया का बिगेस्ट IPO कौन सा है, या इंडिया में ऐसा कौन सा IPO आने वाला है जो सबसे बड़ा IPO अपने आप को बता रहा है, टॉप 10, इंडिया के टॉप 10 ऐसे प्लेयर्स कौन है जो ज़्यादा अर्निंग करते हैं। इस तरह से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, इस तरह से। योर आर्टिकल शुड बी मिनिमम ऑफ 500 to 2000 words। आपका आर्टिकल मिनिमम 500 words का होना चाहिए और अप टू 2000 words तक का आर्टिकल आपका होना चाहिए। जितना ज़्यादा वर्ड्स होगा उतना ही आपका आर्टिकल अप्रूव होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, यू मस्ट प्रोवाइड सोर्सेज इफ आस्क्ड बाय अस टू शो दैट यू आर सेइंग इट इज फैक्चुअल। आपको ये अगर ऑथर आपसे मांगते हैं कि भाई आपने ये आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल में ये टॉपिक आपने कहाँ से लिया है, इसके फैक्ट्स जो आपने दिए वो कहाँ से आपने लिए, उसका सोर्स आपको बताना पड़ सकता है अगर ऑथर ने पूछा तो। इम्प्रूवमेंट पे डाल के आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये फैक्ट डाला था, ये कहाँ से लिया है, इसका आपके पास में क्या एविडेंस है कि ये फैक्ट सही है। द आर्टिकल मस्ट नॉट ऑलरेडी बी पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट। आर्टिकल इंटरनेट पर पहले से पब्लिश नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारा आर्टिकल ऑलरेडी वेबसाइट पे पोस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। आपका आर्टिकल्स की क्या ऑथेंटिसिटी है कि आपका आर्टिकल एकदम यूनिक है, इसका पता करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। आपका आर्टिकल का यूनिकनेस पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, paidseotool.com नाम की वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे, ठीक है, इस वेबसाइट में ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए वेबसाइट के होम पेज पर अगर आप जाइए तो ये वेबसाइट भी काफ़ी काम की है। यू कैन चेक मैनी थिंग्स ऑन दिस वेबसाइट। सो आप अपने आर्टिकल्स का यूनिकनेस चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, प्लेजरिज्म चेकर। मतलब प्लेजरिज्म का मतलब होता है आपका साहित्य चोरी जो होती है, मतलब आपका जो आर्टिकल है कहीं किसी साहित्य या किसी फैक्ट की चोरी तो नहीं है, कहीं किसी ने अगर ऑलरेडी आर्टिकल दे रखा है कहीं तो उसका चोरी तो आप कंटेंट चोरी तो नहीं कर रहे हैं आप, ये आपको पता लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकर पे जैसे क्लिक करेंगे,
जैसे ही आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और ये आपको ऑप्शन देगा, तो आपके पास में ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। आप चाहे तो अपना पूरा आर्टिकल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना आर्टिकल कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे करेंगे तो आप इसके बाद में आपको चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कि आपके आर्टिकल्स में कौन कौन सा पैराग्राफ या कौन कौन सी लाइन कॉपी हुई है। देखिए ऐसे बताएगा ये आपको। ये देखिए जैसे मैंने एक आर्टिकल इसमें कॉपी पेस्ट किया है, मैंने चेक किया कि आर्टिकल्स में प्लेजरिज्म क्या क्या है। ठीक है, चेक प्लेजरिज्म। ये देखिए यहाँ पे अपना ये बता रहा है प्लेजरिज्म, इट माइट बी पेशेंट, इट माइट टेक ए वाइल टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स एज प्लेजरिज्म चेकर इज सर्चिंग फॉर सिमिलरिटीज अगेंस्ट बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर दैट यू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे वेबसाइट पे, गूगल पे, एसईओ पे, कि आपका ये जो कंटेंट है कौन कौन सी चीज़ें इसमें कॉपी पेस्ट हो रही है, कौन सी रिपीट्स हो रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद में ये आपको रिजल्ट पूरा शो कर देगा यहाँ पे 100% कंप्लीट होने के बाद में, कि कितना कंटेंट, कितना परसेंट कंटेंट आपका इसमें कॉपी हो रहा है और कितना परसेंट कंटेंट यूनिक हो रहा है। और नीचे यहाँ पे वो लाइंस और पैराग्राफ्स हाईलाइट भी कर देगा, ये लाइंस एंड पैराग्राफ्स आपका प्लेजरिज्म में आ रहा है। और इसके अलावा आप डुप्ली चेकर पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, कहीं कॉपी तो नहीं हो रहा है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए duplicheckr.com पे आपको जाना है, यहाँ से आपको यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर देना है इस बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेंट पेस्ट कर देना है इस तरह से, पेस्ट देन चेक प्लेजरिज्म। ये आपसे पूछेगा आप रोबोट तो नहीं हो गए। ये देखिए स्कैनिंग प्लेजरिज्म, अब ये स्कैन कर रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने ये आर्टिकल इसमें कॉपी पेस्ट करके चेक किया है, तो इसमें 8% प्लेजरिज्म, मतलब 8% कंटेंट जो है ऑलरेडी कहीं यूज हो चुका है, कहीं वेबसाइट पे या किसी न्यूज आर्टिकल में यूज हो चुका है। 92% कंटेंट जो है यूनिक है। अभी इसमें आपको ये भी बता रहा है कौन कौन सा लाइन या पैराग्राफ आपका प्लेजरिज्म आ रहा है। ये एक तो ये आ रहा है भारत का सबसे बड़ा IPO ला रहा है पेटीएम, एक झटके में हो जाएगी मारुति और L&T से भी बड़ी। इसके अलावा देखिए आप और क्या क्या, ये देखें सर्विसेज सुविधा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वाला कंटेंट कॉपी है, ऑलरेडी कहीं यूज हो चुका है। एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश निजी निगम के शेयर में स्टॉक जारी करने, ये आपको इस तरह से हाईलाइट कर देगा कि आपका इसमें कौन कौन सा कंटेंट कॉपी हो रहा है। सिमिलरिटी 25% पेटीएम को इशू 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने सजेस्ट भी कर दिया कि ये टॉपिक्स में सिमिलरिटी आ रही है। इस तरह से आप अपना कंटेंट चेक करके इसके बाद इसको इम्प्रूव करके अगर वहाँ पे पेड फॉर आर्टिकल्स में पेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपका आर्टिकल तुरंत अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। योर आर्टिकल्स वुड बी 100% यूनिक एंड 100% ऑफ योर राइटिंग। मतलब कहने का मतलब आपको हमारे आर्टिकल बॉक्स में आके ही आपको टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, 100% यूनिक होना चाहिए। मेरा देखा आपने आर्टिकल 18% यूनिक नहीं था, 8% कॉपी था, 92% यूनिक था, लेकिन इनको 100% यूनिक आर्टिकल चाहिए। इंक्लूड हेल्पिंग वीडियोज़ और इमेजेस रिलेटेड टू योर आर्टिकल, आपको आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोज़ एंड इमेजेस भी प्रोवाइड करवाना है, अपलोड करना है। योर आर्टिकल शुड फॉलो गूगल पॉलिसी, नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वर्ड्स। गूगल पॉलिसी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। मतलब मेनली ये होता है गूगल पॉलिसी यही है कि आपको किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कंटेंट यहाँ पे नहीं देना है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल शुड बी करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग। आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, मिसलीडिंग मतलब किसी को गलत फहमी में ना डाले, मतलब आप कोई भ्रामक जानकारी यहाँ पे ना दे जिससे ऐसा लगे कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, या मतलब एकदम फैक्ट होना चाहिए आपका आर्टिकल में जो भी कंटेंट होता है ना सारा। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेंडिंग कंटेंट, आर्टिकल्स कवरिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑलवेज परफॉर्म वेल, राइट आर्टिकल्स ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड यू शुड हैव प्रीफर्ड नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इनका कहना है कि जो अभी जो टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बहुत हाईलाइट हो रहा है, आप अगर उस पर आर्टिकल लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू हेल्प यू फाइंड मोर सुटेबल टॉपिक सजेशंस, वी पोस्ट डेली टॉपिक सजेशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज। और ज़्यादा गाइडेंस के लिए आप इनका टेलीग्राम चैनल यहाँ पे क्लिक करके और फेसबुक पेज यहाँ पे क्लिक करके फॉलो करके
देख सकते हैं क्या क्या अपडेट्स इनके आ रहे हैं। कीप योर आर्टिकल नॉलेजेबल एंड फैक्चुअल, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 500 मिनिमम 500 वर्ड्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। चेक पॉइंट्स फॉर आर्टिकल, आर्टिकल टाइटल एंड समरी शुड बी नाइस, द इमेज यू एड इन आर्टिकल शुड हैव इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज का डिस्क्रिप्शन डाल के आपको इमेज अपलोड करना। यूज हेडिंग्स S2 एंड S3 टैग्स इन द आर्टिकल और नेसेसरी पैराग्राफ्स, आपको हेडिंग 1, 2, 3 हेडिंग 3 तक का आपको टैग्स देना है। द आर्टिकल शुड बी डिवाइडेड इन टू प्रॉपर पैराग्राफ्स एंड सब हेडिंग्स ऑल्सो, मेक ए पैराग्राफ आफ्टर एवरी 3 to 5 लाइन, आपका पैराग्राफ में प्रॉपर पैराग्राफ्स और सब हेडिंग्स भी होना चाहिए, और हर 3 या 5 लाइन के बाद में आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। अटैच ईच ऑफ योर आर्टिकल्स विद एन एक्सटर्नल लिंक टू ए रेप्यूटेड वेबसाइट टू योर कंटेंट, आपको ये मतलब आर्टिकल पोस्ट करने के बाद में इस लिंक को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या जो भी आपका सोशल मीडिया लिंक है, गूगल वगैरह, वहाँ पे इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। आर्टिस्ट रिलेटेड कंटेंट लिंक्स फ्रॉम आवर वेबसाइट बेस्ड ऑन योर टॉपिक इफ अप्रोप्रिएट इन योर आर्टिकल, चेक द यूनिकनेस ऑफ योर आर्टिकल, इन्होंने भी लिंक दिया कि आप अपने आर्टिकल का यूनिकनेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए इन्होंने डुप्ली चेकर का ही रेफरेंस दिया है, ठीक है। इंक्लूड सोर्सेज, यू नीड टू बैकअप ईच आर्टिकल विद एन एक्सटर्नल लिंक टू रेप्यूटेड वेबसाइट रिलेटेड टू योर टॉपिक, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू रेप्यूटेड एग्जाम्पल वेबसाइट्स, आप इन वेबसाइट से भी अपने आर्टिकल्स का कंटेंट उठा सकते हैं, कॉपी नहीं करना है, आप उनसे एक आइडिया ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स का नाम होते हैं, NDTV, BuzzFeed, विकीपीडिया, नेशनल इंक्वायरर, मेट्रो, या आप पढ़ सकते हैं इतनी सारी इन्होंने वेबसाइट्स का नाम दिया। यू हैव टू यूज़ वैल्यूएबल आर्टिकल लिंक्स, इट शुड बी रिलेटेड टू आवर टू योर कंटेंट, बट योर आर्टिकल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सटर्नल सोर्स आर्टिकल, मतलब आपका जहाँ से आप ये आर्टिकल देख रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक और कंटेंट इसके अंदर होना चाहिए, लैंग्वेज चेंज होना चाहिए। रिवाइज योर आर्टिकल बिफोर सबमिटिंग फॉर रिव्यू, वी रिजेक्ट ऑल ऑफ द आर्टिकल्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एडिटिंग, प्लीज मेक श्योर यू रीड री रीड एंड रीड अगेन एंड और ऑल चेक पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले आपको अच्छे से आर्टिकल को चेक कर लेना है, जो ऊपर दिए गए गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल होना चाहिए, अदरवाइज योर आर्टिकल विल बी रिजेक्टेड, और इफ देर आर माइनर करेक्शंस दे विल पुट योर आर्टिकल फॉर इम्प्रूवमेंट्स, आपको अपना आर्टिकल यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। ये मेंबर डैशबोर्ड पे जाना है, ये इसमें आप आर्टिकल मोबाइल से भी टाइप कर सकते हैं, मोबाइल से पोस्ट कर सकते हैं, सब कुछ मोबाइल में हो सकता है इसमें काम। आप माई आर्टिकल्स में जाएंगे, माई आर्टिकल्स में जाएंगे तो आपके आर्टिकल के बारे में ये यहाँ पे बता देंगे, आपका आर्टिकल रिजेक्ट हुआ है या सेलेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है या इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है, तो यहाँ पे आपको फीडबैक मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस कि आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल गया है किस तरह से आपको paidforarticles.com पे अपना आर्टिकल टाइप करना है, पोस्ट करना है, और अगर आपका आर्टिकल अप्रूव हो जाता है तो आपका पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल, और भी मैं एक काफ़ी अच्छे वीडियोस पोस्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मतलब यूनिक चीज़ रहेगी, अच्छा चीज़ ऑथेंटिक रहेगा कि हाँ ये नहीं तो आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा ना कोई पैसा लगेगा, और आपके पास में अवेलेबल जो सोर्सेस है उससे आप किस तरह से घर बैठे बैठे इनकम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। थैंक यू।